ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلم له رمضان سلمت له السنة. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس کی مبارک گھڑیاں الحمدللہ اس وقت ہمیں نصیب ہیں. یہ مہینہ اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے اور عذاب جہنم سے رہائی کا پروانہ حاصل ہونے کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. قرآن کریم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا اور جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی گھٹائیں اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں، مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کو میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا آزار جس کو میں عافیت عطا کروں. غرض یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اس کی برکتوں کا موسم بہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے. اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے. قدر پہچان کر اگر ہم اس کو گزار لیں تو ہماری زندگی کا یہ ایک نقطہ انقلاب بن سکتا ہے. ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ من سلم له رمضان سلمت له السنہ، یعنی جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا. یہ ایک طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ اگر رمضان کو تم لوگوں نے سلامتی کے ساتھ گزار لیا تو سارا سال انشاءاللہ سلامتی سے گزرے گا. سلامتی سے رمضان کیسے گزارے؟ سلامتی سے گزارنے کا کیا مطلب ہے اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
देखिए रमजान के सलामती से गुजरने का एक मतलब तो यह है कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने रमजान में जो खुसूसी इबादतें मुकर्रर फरमाई हैं उनको आदमी ठीक ठीक अंजाम दे ले। मसलन रोजा है, रोजा अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज किया है रमजान के अंदर, और यह रमजान ही में फर्ज होता है, रमजान के अलावा कभी फर्ज नहीं है। कोई नफल रखना चाहे रख ले, लेकिन फर्ज नहीं है, फर्ज है इसी रमजान के महीने में। अल्लाह ताला ने ये इबादत रखी है तो ये इबादत अंजाम दे ले जो अल्लाह ताला ने इस महीने के साथ मखसूस फरमाई है, एहतमाम के साथ अंजाम दे ले कि कोई रोजा छूटे नहीं और रोजे के आदाब के साथ उसको रख ले। और इस रोजे की इबादत पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया है कि जो बंदा इखलास के साथ सही तरीके से रोजा रखता है तो उसके लिए फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, उसके नतीजे में तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा। रमजान के रोजे के जरिए अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा। कैसे होगा? वो इस तरह होगा कि जरा सोचो रोजे में क्या करते हो, भूख लग रही है खाना नहीं खाओगे, प्यास लग रही है पानी नहीं पियोगे। जिस आदमी ने रोजा रख लिया हो सच्चे दिल से, उसको कितने ही हलक में उसके कांटे पड़ गए हो और पानी पीने के लिए दिल बेताब हो, घर में फ्रिज के अंदर ठंडा पानी भी रखा हुआ मौजूद है, कमरे में कोई देखने वाला भी नहीं, हलक में कांटे भी पड़े हुए हैं, पानी पीने के लिए दिल मचल भी रहा है, लेकिन क्या बताओ कोई रोजेदार मुसलमान उस हालत में पानी निकाल कर पिएगा? कोई नहीं पिएगा। बल्कि अगर ये कहूं तो मुबालगा नहीं होगा कि कोशिश उसको ये पेशकश कर दे कि तुम मुझसे 1,00,000 रुपए ले लो और ये 1 गिलास पानी पी लो, तो गालिब गुमान यह है अल्हम्दुलिल्लाह कैसे ही गया गुजरा मुसलमान हो, लेकिन वो 1,00,000 पर ठोकर मार देगा और पानी नहीं पिएगा। ये रोजा रखा हुआ है मैंने अल्लाह के लिए, मैं तोड़ूंगा नहीं, ये सोचेगा। ये जो उसके दिल में ये बात आ रही है कि कुछ हो जाए रोजा तोड़ूंगा नहीं, दिल बेताब हो, मचल रहा हो, प्यास लगी हुई हो, हलक में कांटे पड़े हुए हो, लोग बुला रहे हो, दावत दे रहे हो, तरगीब दे रहे हो, नहीं छोड़ूंगा। इसी का नाम तो तकवा है और क्या है, यही तो तकवा है। तकवा के माना क्या है कि अल्लाह जल्ला जलालहू के सामने जवाबदेही के एहसास की वजह से आदमी अपनी किसी ख्वाहिश को छोड़ दे, इसी का नाम तकवा है। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत ही अल मावा, जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से खौफ रखता हो कि एक दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने अमाल का जवाब देना है, और उसकी वजह से अपनी ख्वाहिशात नफ्स को उसने पामाल कर दिया, छोड़ दिया। दिल तो चाह रहा है मगर नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, अल्लाह के सामने जवाब देना, इसी का नाम तकवा। तो ये जो रमजान में रोजे रखवाए जा रहे हैं तो इस रोजे, हर रोजा सरापा तकवा है,
लअल्लकुम तत्तकून, इसीलिए फरमाया रोजे हमने तुम पर इसलिए फर्ज किया ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो ये रोजा एक तो रोजे की इबादत है रमजान में खास तौर पर, दूसरे तरावीह है, वो फर्ज तो नहीं, रोजे की तरह फर्ज तो नहीं, अल्लाह ताला ने हम पर आसानी की है, वाजिब भी नहीं बनाया, फर्ज भी नहीं बनाया। और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तरावी पढ़नी शुरू की ना तो किसी की साथ जमात नहीं की, पढ़नी शुरू कर दी। मस्जिद नबवी में आप एतकाफ फरमाया करते थे और एतकाफ में एक चटाई जो होती है चटाई, चटाई का सा एक हुजरा बना दिया जाता था मस्जिद नबवी के अंदर, उसमें आप एतकाफ फरमाते थे। हुजरा क्या होता था, चटाई ऐसे खड़ी करके ना जैसे चार दीवारी बना देते हैं, इस तरीके से चार दीवारी बना दी। अब वहां आप उस चटाई के हुजरे में खड़े होकर आपने तरावी की नमाज तनहा पढ़नी शुरू की, तनहा अकेले। सहाबे किराम ने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं तरावी की, कयाम रमजान इसको कहा जाता था, तो सहाबा भी पीछे नियत करके खड़े हो गए। पहले दिन थोड़े थोड़े लोग थे, दूसरे दिन जब लोगों को पता चला कि हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं और सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी जमात आ गई, वो उन्हें नियत बांध ली हुजूर के पीछे तरावी की, अच्छी बड़ी जमात हो गई। तीसरे रात जब आई तो पूरी मस्जिद भर गई और सब हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने के शौक में सब जमा हो गए, लंबी नमाज हुई तरावी की। तो जब तीन दिन गुजर गए इस तरह बड़ी लंबी चौड़ी जमातें होने लगी, तो हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए एक दिन और सहाबे किराम से फरमाया कि अल्लाह ताला को तुम्हारी यह नमाज इतनी पसंद आई है, ये जो तुमने नमाज पढ़ी है ना जमात के साथ, ये तुम्हें अल्लाह ताला की बहुत पसंद आई है, और चूंकि पसंद आई है तो मुझे डर है कि तुम्हारे जिम्मे फर्ज ना हो जाए, और अगर अल्लाह ताला ने फर्ज कर दी और तुम लोग बेहिम्मती की वजह से इस फरीजे को बजा ना लाए तो गुनाह होगा बहुत सख्त, इसलिए कल से मैं तुम्हें जमात से नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। तीन दिन पढ़ाई, उसके बाद फरमाया अपने अपने तौर पर पढ़ लो, घरों में पढ़ लो। चुनाचे सहाबे किराम इसी तरीके से घर में पढ़ते, कोई घर में पढ़ा है, कोई दो चार आदमी मिलकर उन्होंने पढ़ ली, तो कोई दस आदमियों ने मिलकर पढ़ ली, इस तरह पढ़ते थे। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु का जब जमाना आया तो उन्होंने देखा मस्जिद नबवी में टोलियों की शक्ल में लोग तरावी पढ़ रहे हैं, कोई दो चार आदमी है, कोई दस आदमी है, कोई बीस आदमी है, हर एक एक इमाम के पीछे तरावी पढ़ रहा है, कई कई जमातें हो रही। तो हुजूर ने फरमाया, हजरत सिद्दीक हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि अब वो किस्सा तो खत्म हो गया ना, कि भाई ज्यादा अगर करेंगे लम्हे वाजिब ना कर दें फर्ज ना कर दें, अब तो वही का सिलसिला बंद है। और हुजूर को पसंद आई थी बहुत ये जमात, तो आपने हजरत ने फरमाया कि मैं अब ऐसा करता हूं कि सारे लोगों को एक ही इमाम के पीछे तरावी करा देता हूं, ये जो अलग अलग पढ़ रहे हैं पांच एक जगह, दस एक जगह, बीस एक जगह, ये इसके बजाय सब एक जगह। किसको इमाम बनाता हूं, इमाम बनाऊंगा उसको जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अकरा उबैय इब्न काब,
کہ سارے صحابہ میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے اوی ابن کعب ہیں, یہ فرمایا تھا حضور اقدس صاحب. ہر صحابی کی الگ شان ہے نا, کسی کے اندر کوئی صفت ہے کسی میں کوئی صفت ہے کسی میں کوئی صفت ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ مثلا فرمایا تھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ بہترین قاضی ہیں, یعنی سارے صحابہ میں سب سے بہترین لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کرنے میں علی سب سے زیادہ ہے, سمجھے نا. اور میراث کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام میں زید بن ثابت ہیں, اور حلال و حرام کا علم رکھنے والے سب سے زیادہ معاذ بن جبل ہیں. اور اسی میں فرمایا تھا اقرأهم ابی بن کعب, سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے اور سب سے زیادہ بہترین قرآت کرنے والے صحابہ کرام میں ابی بن کعب ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی ابی بن کعب کو حضور نے اقرا قرار دیا ہے, تو میں سارے لوگوں کو ابی بن کعب کے پیچھے تراویح پڑھا دیتا ہوں. چنانچہ حضرت ابی بن کعب کھڑے ہوئے, ان کو امام بنایا اور سارے صحابہ کرام نے ان کے پیچھے تراویح پڑھنی شروع کی اور قرآن اس طرح ختم کیا ہے. تو ایک جب اگلے دن جب یہ حضرت ابی بن کعب کو امام بنا دیا تراویح کا, تو فاروق اعظم اگلے دن آئے, دیکھا سارے پہلی ٹولیاں ٹولیاں پڑھ رہی تھیں وہ سب اکٹھی کر دی اور ایک ہی جماعت کر دی حضرت ابی بن کعب کے پیچھے. تو جب فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھا کہ سارے مسلمان اتنی بڑی جماعت ابی بن کعب کے پیچھے جماعت سے نماز تراویح کی پڑھ رہی ہے, تو فرمایا کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی اچھی بات پیدا ہوئی ہے, نعمت البدا تو حاضری ہے. تو چنانچہ اس کے بعد سے پھر یہ تراویح جو ہے اس طرح جماعت کے ساتھ اکٹھی جماعت کے ساتھ پڑھی جانے لگی مسجد نبوی میں. تو جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں فرمایا کہ میری سنت کی اتباع کرو, ایسے ہی فرمایا میرے بعد جو خلفاء راشدین آنے والے ہیں ان کی سنت کی بھی اتباع کرو. اس لیے جماعت جو ہے تراویح کی وہ سنت ہے. حضور سے تین دن کی ثابت ہے اور بعد میں خلفاء راشدین نے اس کا اہتمام کیا ہے. تو یہ دوسری نعمت ہے, دوسری عبادت ہے جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت دی ہے. میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ فضل و کرم کا یہ عالم ہے اس میں کہ ہر مومن کو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 40 مقامات قرب زیادہ عطا فرمائے. کتنے رکعت ہوتی تراویح کی؟ 20 رکعت. ہر رکعت میں سجدے کتنے؟ 2. تو سب مل کے 40 سجدے. 40 سجدے روزانہ زیادہ کروائے جا رہے ہیں. اور یہ سجدہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی وقت اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا. سجدہ جو ہے نا یہ اللہ جل جلالہ کے قرب کا سب سے اعلی مقام سجدہ ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا سورہ اقرا کی جو آخری آیت ہے نا, آیت سجدہ ہے, مگر بڑی دو جملوں میں کیا خوبصورت بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ, یہ لفظ ہے, سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ. کیا جملہ فرما دیا؟ سجدہ کرو میرے پاس آ جاؤ. کیا معنی؟
कि जब तुम सजदा करते हो, पेशानी जमीन पर मेरे सामने टेकते हो, उस वक्त तुम मुझसे सबसे ज्यादा करीब होते हो। यूं तो अल्लाह ताला हर वक्त करीब है ना। कुरान फरमाता है नहनु अकरबु इलैही मिन हब्लिल वरीद, हम बंदे के रगे जान से भी ज्यादा करीब है। ये तुम्हारी जो रगे जान है ना, जिससे तुम्हारा खून सप्लाई हो रहा है और जिसके बदौलत तुम्हारी जिंदगी कायम है बज़ाहिर, वो जितने करीब है हम उससे भी ज्यादा करीब है तुम्हारे। अल्लाह ताला तो इतने करीब है लेकिन बंदा दूर है, बंदा दूर है। वो तो इतने करीब है लेकिन बंदा जो है वो उसका दिमाग कहीं लगा हुआ है, दिल कहीं लगा हुआ है, ख्वाहिशात कहीं और जा रही हैं, जज्बात कहीं और जा रहे हैं, तो उसको अल्लाह ताला के कुर्ब का एहसास भी नहीं, शऊर भी नहीं। तो नतीजा यह कि बारी ताला के करीब होने के बावजूद, रगे जान से ज्यादा करीब होने के बावजूद बंदा गाफिल है, अल्लाह ताला से दूर है। फारसी में एक शायर ने कहा था कि तू के अज तरफ खेस बबन नजदीकी, मन के अज तरफ खेस बगायत दूरम, कि अल्लाह आप अपनी तरफ से तो मुझसे बहुत ही करीब है लेकिन मैं अपनी तरफ से आपसे बहुत दूर हूं। आप तो बहुत करीब है लेकिन मैं आपसे दूर हूं। कैसे दूर हूं कि दिल में ख्यालात कुछ और, जज्बात कुछ और, सुबह से लेकर शाम तक फिक्र कुछ और, सोच विचार कुछ और, आपका ख्याल नहीं, आपका ध्यान नहीं, आपकी फिक्र नहीं, तो दूर हूं मैं आपसे। आप तो अपनी तरफ से बहुत करीब है कह रहे हैं, मैं रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं लेकिन मैं दूर हूं। मैंने भी एक शेर में कहा था कि बड़ी बड़ी दूर है अभी तक रगे जान की मसाफत। ये रगे जान की मसाफत जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं रगे जान से भी करीब हूं लेकिन मेरे लिए अभी तक दूर बनी हुई है, बड़ी दूर है अभी तक रगे जान की मसाफत, जो दिया है कुर्ब तूने तो शऊर भी आता कर। तो अल्लाह तबारक व तआला वो शऊर अता फरमा दे। तो वैसे तो अल्लाह ताला तो करीब है, बंदा दूर है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते तू तो दूर है, मैं तो करीब हूं, तू दूर है, तो तू मेरे पास आ जा, सजदा कर और मेरे पास आ जा, सजदा करो और मेरे पास आ जाओ। तुम मुझसे दूर हुए बैठे हो, जब सजदा करोगे ध्यान से तो करीब आ जाओ। ये कुर्ब हासिल करने का, अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन जरिया है ये सजदा। तो जब सजदा आदमी ध्यान से करे, पेशानी टेके, कहां मैंने टेकी हुई है, किस दरबार में, किस बारगाह में, किसके सामने, जब ये सोचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब उसको हासिल होगा। तो होगा क्या, हमारे हजरत मजदूर साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तलाश में फिर रहे उधर से उधर, फर्ज करो, लेकिन अल्लाह ताला मिल जाते हैं। इस तरह फरमाते हैं कि वो इतने थे करीब के दिल ही में मिल गए, वो इतने थे करीब के दिल ही में मिल गए, मैं जा रहा था दूर का सामा किए हुए, मैं तो पता नहीं कहां भटक रहा था इधर से उधर उधर, वे जा रहा था दूर का सामा किए, वो इतने थे करीब के दिल ही में मिल गए। तो जब सजदा करोगे ध्यान से, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी दोगे,
तो पता चलेगा कि वो तो बहुत ही करीब है, मेरी रगे जान से ज्यादा करीब है। तो ये सजदा ऐसी चीज है। तो हमारे हजरत आरिफ कदर सल्लल्लाहु तआला सल्लम वो फरमाया करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान में ये 40 मकामात कुर्ब बंदे को आम दिनों से ज्यादा अता फरमाए हैं कि 40 मरतबा अपनी बारगाह में सर टेकने का और मौका अता फरमा दिया तरावीह के जरिए। तो ये बड़ी नेमत है, अजीम नेमत है। हर सजदा जो अल्लाह जलालू के सामने किया जाए वो अल्लाह ताला के साथ कुर्ब में मजीद इजाफा करता है। तो रोजाना 40 मरतबा ज्यादा हाजिरी हो रही है, ज्यादा बारगाह में बुलाया जा रहा है, ज्यादा कुर्ब अता फरमाया जा रहा है। रोजाना 40, तो 40 को 30 से ज़रब दे दो तो 1200 मकामात कुर्ब अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में हर मोमिन को ज्यादा अता फरमा दी। तो भाई ये मामूली बात नहीं। तो क्या फरमाया, इन्नल्लाह अफ्तरज अलैकुम सियामहु व सनंतु लकुम क़ियामहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं अल्लाह ने तो रोजे फर्ज किए तुम्हारे जिम्मे दिन के वक्त, मैंने तुम्हारे लिए रात के वक्त में क़याम यानी तरावी ये मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत बना दी है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो इस महीने के साथ खास हैं। आम दिनों में अगर चाहो नफलों की जमात जायज नहीं है, मकरूह है, तहरीमी, इसमें जायज है, ये शार है इस्लाम का। तो अल्लाह ताला ने ये नेमत इसकी तो पाबंदी कर लो। तो ये हदीस अभी मैंने सुनाई कि जिसका रमजान सलामती से गुजरे उसका पूरा साल सलामती से गुजरेगा। तो सलामती से गुजरने का पहला मतलब तो ये है कि जो इस रमजान की मखसूस इबादतें हैं उनको ठीक ठीक अंजाम दे दे, और दूसरा मतलब और भी है, आज पता नहीं चला वक्त गुजर गया। तो अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई अपनी रहमत से, तो अगले जुमा में इंशाअल्लाह ताला उसकी तफसील कुछ अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत से अपने फर्ज और करम से हमें रमजान की सातों से सही सही फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। बस ये दुआ तो करते ही नहीं जानी चाहिए हर वक्त, या अल्लाह आपने रमजान अता फरमाया अपने फर्ज और करम से अता फरमाया तो हमें इससे सही फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा दे, और अल्लाह हमारा ये रमजान सलामती के साथ गुजार दे, सलामती के साथ गुजार। ये तो दुआ मांगते ही रहो, चलते फिरते उठते बैठते, तिलावत ज्यादा करो, तस्बीहात, अल्लाह का जिक्र जो जबान पर आ जाए, फजूलियात से इज्तनाब, फजूल कामों से, ऐसे काम जिनके अंदर ना दुनिया का फायदा ना दीन का फायदा, उनसे इज्तनाब, गुनाहों से बचने की फिक्र, आंखों की हिफाजत, गलत जगह पे ना पड़े, कानों की हिफाजत, और ये जो सबसे बड़ा एक हमारे यहां इंसान के लिए मुसलमान के लिए बहुत बड़ा फितना पैदा हो गया है ना हमारे दौर में, वो है टीवी। उसके नतीजे में टीवी जब घर में होता है तो आदमी ना भी चाहे तो उसकी निगाह खराब होती है, उसका दिल खराब होता है, उसके कान खराब होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? चाहे कितना ही एहतमाम कर लो, चाहे प्रोग्राम ऐसा भी देख रहा हो जिसमें बगैर कोई गुनाह का प्रोग्राम नहीं है, फिर भी कहीं म्यूजिक आ जाएगी, कान में पड़ जाएगी, कहीं कोई नामहरम शक्ल सामने आ जाएगी, निगाह उसके ऊपर पड़ जाएगी,
कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा। तो ये सारा दिल की दुनिया को खराब करने वाली बातें हैं, तो खुदा के लिए इसको बंद करके रख दो इस रमजान के महीने में, बस छुट्टी नहीं देखेंगे, कम से कम इस जमाने में तो कर ही लो, बाकी दिनों में अल्लाह ताला तौफीक दे बाकी दिनों में भी कर ले, लेकिन कम से कम रमजान में तो कर ले। इस बात की फिक्र हो जाए कि हलाल रोजी खाएंगे, हराम का कोई लुकमा हमारे दिल मुंह में नहीं जाएगा, इसका एहतमाम करो। किसी की अगर फर्ज करो आमदनी हराम की, अलाज बिल्लाह, या अल्लाह माफ फरमा दी, तो कब इस जमाने में और कुछ नहीं, कर्ज ले ले, कर्ज के जरिए अपना खाने पीने का इंतजाम कर ले, इस तरह सराबदान कुछ सलामती से गुजारने की कोशिश कर ले, तो अल्लाह ताला सारा साल भी सलामती से गुजारेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।